रामपुर, आजम खान, अतीक अंसारी जैसे लोग से जज भी डरते थे, उनका फैसला सुनने से इनकार कर दिए थे, वो सब जेल के सलाखों के अंदर हैं। आप क्या बात करते हैं? नहीं नहीं रुकिए, आप किसको? हम तो यहाँ बसपा को वोटिंग कर रहे हैं, बसपा ने विकास किया है अंबेडकर नगर को। अभी कह रहे थे हम अखिलेश यादव को बना रहे हैं। अखिलेश यादव को इतने टाइम में बदल गया? नहीं नहीं, इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर नगर जिले के जिला न्यायालय, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भीड़े बता रही है कि ये वाकई में जिला न्यायालय है और यहाँ पे भीड़ जमा हुई है। अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनपे 3 पर बसपा का और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। सपा का यहाँ से पूरी तरह से सपाया था 2017 में। जी चाचा जी, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार जी, कहाँ से आप? इसी विधानसभा से हैं, अकबरपुर विधानसभा से? जी मेरा घर अकबरपुर में भी है, जलालपुर में भी है। क्या है यहाँ से, कौन विधायक है आपके यहाँ से? मौजूदा विधायक श्री रामाचल राजभर जी हैं, बसपा से। बसपा से अब इस समय वो चले गए हैं समाजवादी में। समाजवादी में चले गए हैं, कितना दिन हुआ उनको पार्टी छोड़े? पार्टी से वो निष्कासित किए गए, लगभग हमको लगता है 5-6 महीना हुआ होगा। 5-6 महीने से वो पार्टी से निष्कासित किए गए जी। तो चलिए 5-6 महीना तो उनका ऐसे चला गया, तो बचे 4.5 साल। 4.5 साल में क्या कुछ उन्होंने बदला इस अकबरपुर विधानसभा में? अरे भाई, मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है, यहाँ पर मायावती मुख्यमंत्री रही हैं। जी जी, यही से उनका क्षेत्र रहा है। जितना ड्रीम प्रोजेक्ट होता था उनका, सब कुछ तो बसपा के लोगों ने ही यहाँ किया हुआ है। वास्तव में एक वोट अगर यहाँ के लोग सच्चाई ईमानदारी से दें तो एक मत भी बसपा के अलावा किसी को नहीं जाना चाहिए। अब उसी के विधायक रहे हैं जी, जी। तो चाहे बात है सरकार की मंशा रही हो और चाहे विधायक का प्रयास रहा हो, जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है तो उनकी मंशा से, सरकार की मंशा से हुआ हो और चाहे विधायक के प्रयास से हुआ हो, फिलहाल जो डेवलपमेंट हुआ है बसपा सरकार ने ही किया, बसपा सरकार के द्वारा यहाँ कितने विकास किया गया है। तो अब की बार क्या इरादा बन रहा है 2022 में? अब की बार चुनाव है 22 में। जी जी, फिलहाल मैं तो बसपा को ही वोट दूंगा, उसी का वोटर हूँ। और यहाँ से क्या नाम भाई उनका? क्यों आप उसी के वोटर है कह रहे हैं, बसपा के वोटर हैं? बसपा के वोटर हैं, मैं देख रहा हूँ कि दरअसल उसका विकास देख करके मैं उनको वोट करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो विकास हुआ उनके लोगों ने किया, इसलिए मैं उन्हीं को वोट करूँगा। हाँ जी जी जी, नाम बताइए अपना। भाग कहाँ रहे हैं आप, नाम बताइए अपना। सालिग्राम राजभर। राजभर जी, यहीं से हैं आप? यहीं से हम। हाँ जी, क्या कुछ बदल गया इन 4.5 सालों में? 5-6 महीना तो पार्टी छोड़े हो गया उनको, रामाचल राजभर जी को? जी जी, रामाचल जी यहाँ सब कुछ लाए हैं, मेडिकल कार्ड से लेके जो जिला उन्हीं का से आसार से कहने पे आया है यहाँ, और तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज और रोड सही उन्हीं का देन। जब से 5 साल से ये सरकार बना है जितना योगी, तब से कुछ विकास नहीं हुआ, खाली कुछ खाली शिक्षा भी, शिक्षा वाले में देखिए आप कितना गड़बड़ी किए, वो लीक हो गया, पेपर हो गया, और ये लोग साड़ खोल दिए हैं, सब जानवर चल रहे हैं खेती किसानी में। विधायक जी आपके बसपा छोड़कर कहें सपा में भाग गए? भाग नहीं गए थे, जब बहन जी ने उनको निकाल दिया तो क्या करते हो, वो विकास किए हैं, उनको अनुभव है। वो विकास करते तो पार्टी, किसी भी जो विकास पुरुष होगा, पार्टी कहाँ इसको भगाएगी अपने पार्टी से, बताइए जी। जब ऐसा देखिए, क्योंकि ये लोग जो थे रणनीत, ये लोग इतना खतरनाक किए कि मंत्री जी के खिलाफ, कि ये लोग पार्टी से इनको उच्च पहुँच जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, ये लोग उसमें अंदर जाके विरोध किए। अच्छा अच्छा, रणनीति के तहत इनको पार्टी से निकाला गया? नहीं, रणनीति नहीं किए, मतलब बोले इनके विपक्ष वाले। अच्छा, अच्छा। विपक्ष वाले चाहते थे मतलब इनको वो टिकट ना मिले यहाँ से, इसीलिए। हाँ इसीलिए। क्या इरादा आपकी बार फिर 22 में चुनाव है, अभी अब आ गया चुनाव, क्या इरादा बन रहा है? जीतेंगे, माननीय रामचंद्र जीतेंगे यहाँ, छठी बार फिर विधायक बनेंगे। विधायक बनेंगे छठी बार। सपा में मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे तब? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव, ये एकदम तय है, तय है, एकदम फिक्स है। अच्छा वहाँ जी, नाम बताइए चाचा जी अपना। गुरु प्रसाद वर्मा। वर्मा जी, क्या इरादा है 2022 में? बस सरकार बदलनी है या फिर से योगी जी को लाना है? नहीं, साइकिल पे जी। हैं जी, कहाँ योगी जी काम नहीं किए हैं? हमारे हिसाब से इतना है। कहा चाचा योगी जी काम किए हैं? सब किए हैं, जी का जवान कर का कह रहे हैं, राशन बढ़ रहा है। अरे राशन बढ़ रहा है फ्री में। हाँ। रुपया बन रहा है, सभी किसानों के खाते में जा रहा है। गाय साड़ भी तो छूटे हैं, नुकसान भी तो कर रहे हैं। अरे गाय साड़ तो हम ही लोग पाले हुए हैं। हाँ। हम ही लोग पाले हैं, चाहे घर बांध के, पहले कहीं नहीं नुकसान होता, चाहे हम घर उसे बांध के खिलाएं या चाहे छोटा छोड़ के खिलाएं, क्या दिक्कत है, वो हम ही तो खिला रहे हैं। अच्छा, अपना आप नुकसान कर रहे हैं आप खुद? क्या नुकसान हमारा हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा है, किसान नहीं है का आप? है? आप किसान नहीं है का? किसान है? है? है तो फसल नहीं नुकसान हो रही आपकी?
कुछ नहीं नुकसान हो रही है। कहें आपके खेत में नहीं सड़ गाय जाते का? जब हम पाले रहते तो हम ना खिलाते उसे। हाँ, जब हम बांधे रहते उसको तब ना खिलाते। आप बताएं हमको। हम बात नहीं समझ रहे आपके। हम पूछ रहे हैं आपके खेत में सड़ गाय जाते हैं कि नहीं, बताइए। हम ये कह रहे पहले लावारिस नहीं घूमते थे, इस तरह घूम रहे हैं आप। हम ये तो जाते हैं कि नहीं खेत में? मैं ये कह रहा हूँ, चाहे मैं उसे खेत से काट के स्वयं ले आके उसे खिलाऊं और चाहे छुट्टा छोड़ दूं अपने खेत में, वो खा ले, कोई दिक्कत है? मतलब आपको लिए नहीं, आपको खाने के लिए नहीं चाहिए, उनके खाने के लिए बोए हैं आप? नहीं, हमारे हमारे खाने भर को, हमारे खाने भर से इष्टा बच जाता है, इसी बात कोई दिक्कत नहीं। अरे आप कह रहे हैं चाहे हम घर पे खिलाएं चाहे उनको छोड़ दे जाके खेत में खाएं, और क्या है? और क्या? चलो, अच्छी मानसिकता आपकी। जी भाई साहब, नाम बताइए। जी, राजीता हम एडवोकेट। एडवोकेट है आप? जी। आप एडवोकेट के तौर पर क्या मांग करते हैं सरकार से? जी यही, अच्छे शासन, अच्छी शिक्षा, यही सब चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या मांग होगी सरकार से? अगर एडवोकेट संघ आपका कोई मांग करे सरकार से, क्या मांगेंगे? अब भाई, अब ये तो सीनियर लोग बताएंगे, इसके बारे में बहुत ज्यादा था। सीनियर आप हमको लगे। ठीक है, बताइए क्या मांगे होंगी सरकार से आप लोगों की? सरकार जैसे हमारे अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर हो जाए, हमारे भविष्य के लिए, जैसे अधिवक्ता वो समुदाय है, अधिवक्ता वो समुदाय है, इनके पास हम बूढ़े हो गए, कोई साधन नहीं। जी। लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए पेंशन होता है, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं होती है, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कोई व्यवस्था, वो रिटायर हुए खत्म, जब चाहे तो वकालत करें, छोड़ दिए तो खत्म, कोई पूछने वाला नहीं है। न्याय दिलाने में इनका एक अहम हिस्सा होता है, इनको भी चाहिए कुछ चाहिए। हमारी मांग सरकार से हमेशा यही रही है, और हमेशा हमारे पूरे देश के एसोसिएशन के लोग यही मांग किए हैं कि हमारे भविष्य के लिए कुछ सरकार हमको दे। योगी जी ने किया कुछ आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। तो क्या इरादा है फिर? अब चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया है, इस बार पूरे प्रदेश में पब्लिकली, हाँ, और अधिवक्ताओं की भी मांग है कि साइकिल यानी अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, अम्बेडकर नगर में तो पूरा बसपा का माहौल चल रहा है एकदम, हम देख रहे हैं। कोई माहौल नहीं, खत्म हो गया वो माहौल, जो माहौल उनका था। चूंकि वो भाजपा की गोद में खेल रही है, पूरी पब्लिक इस चीज को जान रही है। अच्छा अच्छा। कि ये अगर एक सीट भी जीतेंगे तो भाजपा के ही गोद में चली जाएगी। हाँ। इसलिए पब्लिक भाजपा को लाना नहीं है, भाजपा को लाना नहीं है। हाँ? जी हाँ। हाँ, तो जो भाजपा का सहयोगी है वो हमारा सहयोगी नहीं है। अच्छा। हम उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए समाजवादी पार्टी की 5 सीट यहाँ जीतेंगे। नाम बता दीजिए अपना। आप एडवोकेट मनसाराम राजभर। अरे चाचा जी इधर आइए। हम तो जी, आपका शुभ नाम? अनिल कुमार दुबे। दुबे जी, कैसा लगा योगी जी का काम? बहुत खराब, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, हम लोग तंग हैं इस सरकार में। प्रदेश भय मुक्त की बात कर रहा आप? वो सब केवल कागज में है और उनके जो है मुंह से है, केवल भ्रष्टाचार पूरे जो है चरम पर है। हम लोग इस सरकार से उब गए हैं, ये सरकार हटनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगना चाहिए। बस अपराधी बड़े बड़े जेल में है, इनकाउंटर हो गया। कोई जेल में नहीं है, वो जिससे उनकी जो है वो थी क्या नाम का, उससे कुछ है उनका लेना देना, वही जेल में है, बाकी सब अपराधी खुलेआम दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद चुनाव लड़ रहे हैं तमाम लोग। आप इससे तो नहीं नाराज हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है? की तो हत्या हुई ही, सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ, इसी से तो नहीं नाराज है? आपके बगल में यही जौनपुर में है एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, अपने यही अम्बेडकर नगर जिले में तमाम अपराधी हैं वो घूम रहे हैं, तो ब्राह्मणों की तो हत्या हुई है, ब्राह्मण उपेक्षित रहे हैं भाजपा सरकार में। ब्राह्मणों की हत्या हुई है? ब्राह्मण की हत्या नहीं हुई है, अपराधियों जो पुलिस कर्मी मारे गए वो ब्राह्मण नहीं थे। विकास दुबे ने जिस SSP को और SO को मरवाया है वो ब्राह्मण नहीं थे। जो अपराधी है उसका एनकाउंटर हुआ है और इस सरकार में आएंगे तो बाबा ही, क्योंकि पूरा वातावरण उनसे संतुष्ट है, लोग संतुष्ट है। नहीं नहीं, आइए ना, आइए। आपका अपना मत है, इनका अपना मत है, सबको अधिकार है कि हम अपना मत कहाँ डालेंगे, किसी के दबाव या प्रलोभन में आकर नहीं वोट करना। रामपुर आजम खान, अतीक अंसारी जैसे लोग से जज भी डरते थे, उनका फैसला सुनने से इनकार कर दिए थे, वो सब जेल के सलाखों के अंदर हैं।
आप क्या बात करते हैं? नहीं नहीं रुकिए, आप किसको कर रहे थे जेल के बाहर है जौनपुर में? अरे तमाम लोग हैं, यही नाम का उसका धनंजय सिंह, क्या नाम है? हाँ वो बाहर है, कहीं बताइए आप जहाँ है वो फरार चल रहे हैं, जहाँ भी होंगे या तो जेल के अंदर या तो इनकाउंटर होगा। फरार नहीं चल रहे, अभी वो जौनपुर में क्रिकेट खेलते देखते नजर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, जो भी अपराधी है उनका एक जमानत हो चुका है, एक बार जमानत लिए भी हैं, जेल में जाके 1.5 महीने अंदर रहे हैं, उसके बाद तब जमानत हुआ है, वो बाहर हैं, और इसके बाद दूसरे मामले में उनका 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 गिरफ्तारी होगा, वो शासन किसी को छोड़ने वाली नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं कि योगी जी किसी जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, उनका कब एनकाउंटर होगा, धनंजय सिंह का कब गाड़ी पलटेगी? बिल्कुल होगा, कोई नहीं बचेगा, चाहे शासन का व्यक्ति रहा हो, चाहे विधायक रहा हो, चाहे हाँ बताइए, इनसे पूछिए। तो ये बात नहीं है, अपराधी कोई भी हो नहीं बचेगा, इसी आप अच्छी तरह से जानते हैं, जात और पंथ से, मजहब से, हर चीज से अलग हटके सबको हर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, चाहे किसी भी कास्ट या धर्म से आप पूछ लीजिए, न जात देखा जा रहा है न धर्म देखा जा रहा है। इसके पहले सपा की सरकार थी, मुस्लिम हमारी बेटियां हैं, मतलब इस उत्तर प्रदेश में और सबकी बेटियां उनकी बेटियां नहीं है, कन्या विद्याधन 30,000 उनको दिया जा रहा था केवल, ये भेदभाव वाली सरकार नहीं आएगी तो योगी सरकार ही फिर सरकार किसकी बना रहे हैं? हम तो यहां बसपा को वोटिंग कर रहे हैं, बसपा ने विकास किया है अम्बेडकर नगर को, अभी कह रहे थे हम अखिलेश यादव को बना रहे हैं, अखिलेश यादव इतने टाइम में बदल गए? नहीं, अम्बेडकर नगर में बसपा ने विकास किया है, हम बसपा को वोट देंगे, हमको कह रहे थे अखिलेश को बनाएंगे, अखिलेश को हमने कभी नहीं कहा, हम बसपा को वोटिंग किए थे, वोटिंग करेंगे और बसपा ने विकास किया है।